नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर का। उम्र नन्हे बच्चों को खेलने के लिए खेल खिलौनों का शौक होता है और नए नए खिलौने देखकर छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से ज्यादातर जिद करके अपनी इच्छा पूरी कराते देखे गए हैं। लेकिन सीहोर शहर की रेंधाशी भापसार को तलवार के साथ खेलता देखकर कोई नहीं कहेगा कि 6 साल की छोटी बच्ची लड़की होकर बड़े लड़कों की तरह तलवार की कलाबाजी करते दिखाई देगी। फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली निधाशी भापसा ने सीहोर में कई जगह अपनी तलवारबाजी की कला को दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया है और इतनी छोटी बच्ची का तेजी से तलवार को घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी दूर से निधाशी के पिता रवि भापसर को लोग बधाई दे रहे हैं तथा उनकी 6 साल की बच्चे की सराहना कर रहे हैं। अनंत चौदस के दिन सीहोर में कई स्थानों पर तलवार की कलाबाजी में निधाशी को शील्ड और पुरस्कार दिए गए। निधाशी भापसर के पिता ने बताया कि स्कूल के कार्यक्रम में भी वह झांसी की रानी की भूमिका में तलवारबाजी दिखा चुकी है। निधाशी की इस कला को देखकर घर के सभी लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल है। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। My name is Siddhanshi Bhavsar. क्लास पढ़ती हैं? First. कैसे आपको ये सब करने को सिखा आपने? ये मेरे पापा ने सिखाया। कब से सीख रही हैं आप पापा से? 1 साल से। स्कूल में। मोबाइल में सब देख रहे हैं। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आपको कितने लोगों ने बधाई दी? बहुत सारे लोग ने। रवि भावसर नाम है। आज से करीब जब 3.5 साल की थी तब ये नर्सरी में थी, उस टाइम झांसी की रानी बनी थी, तब मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा था। फिर तभी से थोड़ी सी लगन थी तो टाइम टाइम पे कभी कभी करवाया करता था, पर अभी 1 साल से बराबर उसको करवा रहा हूँ। मतलब परिवार में एक खुशी का माहौल ही बना हुआ है, सभी दूर से आशीर्वाद मिला है। दीपिका भावसर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी पर गर्व है कि इसने ये तलवारबाजी की। सभी बहुत खुश हो, बहुत गर्व हो रहा है उस पर, बहुत गर्व की बात है और खुशी के हमारे समान ही रहे। हम बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि इतने ऊंचा और बहुत कम 6 साल की हुई पूरी अभी। हाँ, बहुत हम आगे बहुत बढ़ाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।